हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके कुछ फॉर्मुलेस हमने डिराइव किए थे, डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो फॉर्मुलेस मैंने आपको बताए थे। आज के क्लास में गाइस हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले गाइस दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू 1 और एक 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। गाइस ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में गाइस ये फॉर्मूले यूज होने वाला है। पहला डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू 1 और दूसरा 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे लिख के ये दोनों फॉर्मूले गाइस आपको याद होने चाहिए। स्टार्ट करेंगे गाइस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है डब्ल्यू का पावर 18। तो गाइस आपको हर नंबर को यहाँ पे 3 के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? 3 के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू 1 होती है। गाइस यू नो द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू 1। तो आपको 3 नंबर यूज करना है गाइस यहाँ पे। क्या यूज करना है? नंबर 3, क्योंकि आपके पास वैल्यू है डब्ल्यू का पावर 3 इक्वल्स टू 1। तो गाइस हम 18 को कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट 18? वी कैन राइट 18 एज 3 इंटू 6। हम 18 को लिख सकते हैं गाइस 3 इंटू 6। तो W का पावर 18 इसको हम लिख सकते हैं गाइस, कितना लिख सकते हैं बोलिए, 3 इंटू 6। एंड इसको हम लिख सकते हैं W का पावर 3 का पावर 6। पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं गाइस, पावर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 6 18 है ना। एक W है, W का पावर 3 है और उसका पावर 6 है। पावर्स गाइस मल्टीप्लाई होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पावर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। तो हमने 3 के फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि W क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो W क्यूब की वैल्यू 1 है ना, W क्यूब की वैल्यू 1 हो गई। 1 का पावर 6, 1 का पावर 6 कितना होता है? 1। तो W का पावर 18 कितना हो गया गाइस? 1 हो गया। वेरी सिंपल, समझ में आया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 2, W का पावर 21 क्या निकालना है गाइस? W का पावर 21। तो W के पावर 21 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 7। 3 नंबर का कोई यूज करना है क्योंकि W का पावर 3 इसका वैल्यू 1 है। तो आपको हर जगह पे 3 लाना है। तो 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। यू कैन राइट दिस एज W का पावर 3 का पावर 7। पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं गाइस, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही होती है। W का पावर 3 इंटू 7 मतलब ही W का पावर 3 का पावर 7। पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पावर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। तो W का पावर 3 है आपके पास कितना? 1। W का पावर 3 1 है, 1 का पावर 7, 1 का पावर 7 इज 1। तो W का पावर 21 कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, W का पावर -30 क्या है? W का पावर -30, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, माइनस साइन है। तो 30 को आपको लिखना है यूजिंग 3। 30 3 के टेबल में कहां पर आता है? 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 को हमको लिखना है यूजिंग 3 है ना। बताइए इसको आप लिख सकते हैं W का पावर 3 इंटू -10 लिख सकते हैं कि नहीं? -30 को क्या लिख सकते हो गाइस? -30 को लिख सकते हो 3 इंटू -10। -30 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू -10। दो नंबर्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं W का पावर 3 का पावर -10। पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं गाइस, पावर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। 3 इंटू -10 -30। पावर का पावर ये देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए 5 का पावर 2 है का पावर 3 है, तो इसको आप लिख सकते हो 5 का पावर 2 इंटू 3 मतलब 5 का पावर 6। समझ रहे हैं आप लोग? 5 का पावर कितना है? 5 का पावर 2 है और उसका पावर 3 है। 5 का पावर 2 उसका पावर 3, नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। 2 इंटू 3 मतलब पावर 6, ठीक है। तो -30 को आपने लिख लिया 3 इंटू -10। हमेशा 3 का ही उपयोग करना है। W का पावर 3, W का पावर 3, W का पावर 3। क्यों? क्योंकि हमारे पास W का पावर 3 की वैल्यू है गाइस। तो W का पावर 3 की वैल्यू कितनी है? 1। 1 का पावर -10। 1 का पावर कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो 1 का पावर, आंसर क्या आएगा हमेशा? 1। तो W का पावर -30 का आंसर कितना आ गया गाइस? 1 आ गया। वेरी सिंपल, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन में गाइस आपको निकालना है W का पावर -105, ठीक है। क्या निकालना है? W का पावर -105।
अगेन आपको 105 और 3 में रिलेशन निकालना है गाइस, आपको 105 और 3 में, आपने 18 में क्या किया 3 का रिलेशन निकाला 3 into 6, 21 में क्या किया रिलेशन निकाला 3 into 7, 30 में क्या निकाला रिलेशन निकाला 3 into 10, तो 105 को डिवाइड करो 3 से, 105 को 3 से डिवाइड करो गाइस 35 आएगा, कितना आएगा 35, 105 को 3 से डिवाइड करो 35 आएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हैं W का पावर 3 into -35, 3 into -35 -105 होता है, 3 into -35 -105 होता है, 3 into -35 -105 हो सकता है, इसको लिख सकते हैं W का पावर 3 का पावर -35, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं गाइस, पावर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो बात एक ही है, W का पावर 3 का वैल्यू है आपके पास, W का पावर 3 का वैल्यू 1 का पावर -35, 1 का पावर कुछ भी ले लो कुछ भी, 1 का पावर 6, 1 का पावर 7, 1 का पावर -10, 1 का पावर -35, आंसर 1 ही आएगा, तो W का पावर -105 आंसर कितना आ गया 1, तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं सभी का आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो गाइस हमेशा जरूरी नहीं है कि कुछ भी पावर में रहेगा आंसर 1 ही आएगा, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स है, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 के टेबल में 30 आता है, 3 के टेबल में 105 आता है, इसलिए आंसर 1 आ रहा है, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर 1 आएगा गाइस, याद ध्यान दीजिए मैं शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं एक बार, चारों क्वेश्चंस यहां पे कितना है गाइस W का पावर 18, आपको क्या करना है जो भी नंबर आपको दिया है गाइस पावर में उसको आपको 3 के मल्टीपल में लिखना है, कैसे लिखना है 3 के मल्टीपल में, तो आपको पता है 18 मतलब कितना होता है 3 into 6 होता है, 18 मतलब कितना होता है 3 into 6, इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 into 6 को 3 का पावर 6, 3 into 6 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 6, पावर्स और पावर मल्टीप्लाई होते हैं गाइस, क्या होते हैं मल्टीप्लाई, अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी ध्यान ध्यान दीजिए 2 का पावर 3 का पावर 4, इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 3 into 4 मतलब 2 का पावर 12, इसको गाइस आप ऐसे लिख सकते हैं पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पावर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 into 6 को लिख दिया मैंने 3 का पावर 6, अब W पावर 3 का वैल्यू है हमारे पास, अब हर क्वेश्चन में W का पावर 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसकी हम वैल्यू पुट कर सके, तो W का पावर 3 1 पुट कर दिया, पावर 6 एज इट इज आंसर 1 आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस W का पावर 21, 21 को हम लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल में 3 into 7, इसको लिख दिया मैंने W का पावर 3 का पावर 7, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं 3 into 7 21, W का पावर 3 का वैल्यू 1 है, 1 का पावर 7 आंसर 1 आ गया, अब गाइस यहाँ पे तो पावर्स पॉजिटिव थे, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो गाइस नेगेटिव पावर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 में, 30 को हम लिख सकते हैं 3 into 10, साथ में माइनस साइन भी है, 30 को हमको लिखना है मल्टीपल ऑफ 3, तो 30 हमको पता है 3 into 10 होता है, साथ में माइनस साइन है, हमेशा हमको W का पावर 3 चाहिए, W का पावर 3, तो 3 into -10 को लिख दिया मैंने 3 का पावर -10, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं 3 into -10, 3 into -10, 3 into -10 -30, ठीक है, तो W का पावर 3 1 हो गया, साथ में पावर -10, 1 का पावर कुछ भी ले लो आंसर 1 ही आएगा, लास्ट क्वेश्चन है W का पावर -105, क्या है गाइस W का पावर -105, तो 105 3 के टेबल में कहां पर आता है 35 आता है गाइस, आपको टेबल पता होना चाहिए, तो 105 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 105 को गाइस अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, क्या आएगा 35, तो -105 को आपने लिख लिया 3 into -35, तो 3 into -35 लिखने के बदले मैं 3 का पावर -35 लिखूंगा, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं 3 into -35, 3 into -35, 3 into -35, W का पावर 3 1 हो गया, पावर -35 एज इट इज आ गया, 1 का पावर एनीथिंग आंसर इज 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन को आपको W के पावर 3 में कन्वर्ट करना है, हर क्वेश्चन को गाइस आपको W के पावर 3 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि W के पावर 3 की वैल्यू 1 है, नोट कर लीजिए गाइस, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस आज के 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, इफ W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना गाइस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लास्ट क्लास में मैंने काफी ज्यादा बार बार रिपीट किया है कि W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह क्या होता है क्या नहीं, और उसके हिसाब से गाइस हमने ये फॉर्मुलेस डिराइव किए हैं, तो गाइस पूरा जो आगे का पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इन्हीं दो फॉर्मुलेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, गिवन W इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, therefore W cube equals to 1 or 1 plus W plus W square equal to 0, ये दो formulas directly आप लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि W is the complex cube root of unity, आपको value निकालना है W plus 1 by W का cross multiply करेंगे तो W square plus 1 upon W आएगा, W into W, W square plus 1 upon W, cross multiply करना आता है ना guys, अब guys आप देखिए यहां से formula से आप 1 plus W square का value निकालिए,
यहां से क्या आप मुझे 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू बता सकते हैं? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्या आप मुझे यहां से 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू बता सकते हो? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू होगा माइनस डब्ल्यू, वो उधर चले जाएगा गाइस, ठीक है। 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू, ये अपॉन डब्ल्यू एज इट इज, तो ये डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, समझ रहे हो गाइस, है ना। ये देखिए, अगर आपको नहीं समझाया तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आपके समझाने के लिए। 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जीरो होता है, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू होगी कि नहीं होगी गाइस, ठीक है कि नहीं, है ना। ये देखिए, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी होंगी? ये डब्ल्यू से चले जाएगा, जीरो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, मतलब माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कैंसिल, आंसर माइनस वन आएगा। कितने सिंपल प्रॉब्लम है गाइस। नेक्स्ट आंसर कितना आएगा इसका हमारा? माइनस वन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, वैल्यू निकालनी है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस डब्ल्यू का पावर फोर का, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस डब्ल्यू का पावर फोर का। हर एक क्वेश्चन में गाइस आपको ये लिखना है, हर एक क्वेश्चन की मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, गिवन डब्ल्यू इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर गिवन डब्ल्यू इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हर क्वेश्चन में गाइस आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, गिवन डब्ल्यू इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो गाइस आप यहां से देख सकते हो, आप डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहां पर आएगा 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, आपको आता है कॉमन निकालना गाइस, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू 1 डब्ल्यू, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का पावर 3, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, उसको लिख सकते हो डब्ल्यू का पावर 4। और आप देख सकते हो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू जीरो होता है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? जीरो, तो डब्ल्यू स्क्वायर इंटू जीरो, तो आंसर में कितना है ना? जीरो। तो गाइस आपने आंसर निकाल लिया है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस डब्ल्यू का पावर 4 का आंसर क्या निकाल लिया गाइस आपने? जीरो निकाल लिया। कितने आसान क्वेश्चन है गाइस, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता गाइस, ठीक है। आपने क्या किया गाइस, क्वेश्चन में से आपने डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां से डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 बचा, डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन निकाला डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू के पावर 4 में से 2 निकाल लिए तो 2 बचे, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का आंसर जीरो, तो 1 प्लस डब्ल्यू प्लस ये पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया गाइस? जीरो आ गया, तो डब्ल्यू स्क्वायर इंटू जीरो आंसर इज जीरो। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए, आपको निकालना है 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3, क्या निकालना है? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3, तो यहां पे रफ वर्क कर रहा हूं मैं, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, आपको चाहिए 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, आपको क्या चाहिए? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो यहां से 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो सकता है जीरो माइनस डब्ल्यू, मतलब 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो सकता है माइनस डब्ल्यू, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे? माइनस डब्ल्यू का पावर 3, ये पावर 3 एज इट इज आ गया, पावर 3 एज इट इज गाइस, समझ रहे हो? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस डब्ल्यू। आप समझने के लिए ये साइड में नोट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? इसका रफ वर्क गाइस मैंने यहां पर किया है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बदले माइनस डब्ल्यू लिख दिया, पावर 3 एज इट इज, माइनस डब्ल्यू का पावर 3, माइनस साइन है और पावर में ऑड नंबर है, माइनस साइन है पावर में ऑड नंबर है, माइनस डब्ल्यू का पावर 3 कितना होता है? माइनस डब्ल्यू क्यूब, मतलब माइनस 1 इंटू डब्ल्यू क्यूब, सही बात है, तो माइनस 1 इंटू डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, समझ रहे हैं गाइस? आपका आंसर कितना आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। किसका आंसर आ रहा है? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3 का आंसर, किसका आंसर आएगा गाइस? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3, तो गाइस यहां पे लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3 कितना आंसर आ रहा है? माइनस 1 आंसर आ रहा है। कितने आसान क्वेश्चन से गाइस, समझ रहे हैं आप लोग? मुझे लगता नहीं है कि फिर से मुझे इसको रिपीट करना चाहिए गाइस, ना बहुत ही सिंपल है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपको गाइस वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ना कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन हमने की, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आपको वैल्यू निकालना है 1 माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3 प्लस 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3, आपको वैल्यू निकालना है गाइस 1 माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3, 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 3, आपको गाइस इसका वैल्यू निकालना है। तो गाइस अब सेकंड वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होगा,
वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। गाइस डायरेक्टली यूज नहीं होगा बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहां से कि इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे। ये देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना है, वन माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं मैं, यहां भी माइनस साइन है यहां भी माइनस साइन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। आपको समझा, माइनस साइन यहां से कॉमन निकाला, ये माइनस साइन कॉमन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन निकाला डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। समझा आपको, मल्टीप्लाई करके देख लो माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, क्लियर है। अब गाइस यहां से तो माइनस साइन कॉमन निकाल के कुछ फायदा नहीं होगा, है ना, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं आगे पीछे। फर्स्ट नंबर पे ये लिखा है, सेकंड नंबर पे ये लिखा है, थर्ड नंबर पे इसको आप आगे पीछे कर देंगे तो वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का पावर थ्री, ठीक है। अब गाइस हम यहां से कुछ वैल्यूज निकालेंगे, यहां पे मैं साइड में रफ वर्क कर रहा हूं गाइस। यहां पर हमें चाहिए डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, क्या चाहिए हमको डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो हमको पता है कि वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जीरो होता है, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन। फिर से आपको पता है कि वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जीरो होता है, आपको वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर चाहिए। अंडरलाइन कर लेता हूं मैं, मैंने डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली, अब मैं वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो गाइस यहां से वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, वो डब्ल्यू उधर चला गया ना गाइस, ठीक है। तो आइए गाइस वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वन माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है, माइनस वन। सिर्फ ये देखिए वन एज इट इज माइनस एज इट इज, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन पुट कर दिया, पावर थ्री एज इट इज। वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू, ये माइनस साइन एज इट इज, ये डब्ल्यू एज इट इज, पावर थ्री एज इट इज। वन माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन का पावर थ्री प्लस माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू का पावर थ्री। समझ रहे हैं गाइस, आइए यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू का पावर थ्री प्लस माइनस टू डब्ल्यू का पावर थ्री, दैट विल बी टू का पावर थ्री इज एट, नेगेटिव नंबर का क्यूब, है ना, माइनस साइन और पावर थ्री है, माइनस साइन हो और पावर में ऑड नंबर हो, करके दिखा देता हूं, माइनस टू डब्ल्यू इंटू माइनस टू डब्ल्यू इंटू माइनस टू डब्ल्यू कितना होगा, माइनस टू डब्ल्यू इंटू टू माइनस टू डब्ल्यू इंटू माइनस टू डब्ल्यू, फोर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू माइनस टू डब्ल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू टू फोर डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, फोर इंटू माइनस टू माइनस एट डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू क्यूब कितना आएगा आंसर, माइनस एट डब्ल्यू क्यूब, ठीक है। तो एट माइनस एट डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू कितनी, वन, मतलब एट माइनस एट आंसर इज जीरो। तो गाइस आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया था क्वेश्चन, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर थ्री प्लस वन माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर थ्री इक्वल टू जीरो आ रहा है आंसर। क्या रहेगा गाइस आंसर, जीरो। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए, आपको सिर्फ वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के इसमें अरेंज करना है। जैसे यहां पर देखिए आप, हमने माइनस साइन कॉमन निकाली तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू वहां से मिल गई, यहां पे हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया आगे पीछे, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे इसका यूज करके वहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके यहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं गाइस। तो यहां से हमने माइनस साइन कॉमन निकाली तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, यहां पर हमने आगे पीछे कर दिया तो वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का मिला, वहां से हमने डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाला और वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाला। रफ वर्क मैंने किया है गाइस साइड में, आपके समझ लीजिए रफ वर्क, ठीक है। तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन पुट कर दिया, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू पुट कर दिया, ये देखिए डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू आपने माइनस वन पुट कर दिया, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू पुट कर दिया, और बस बाकी कैलकुलेशन पार्ट किया है, आंसर जीरो आ गया है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। अगेन आपको गाइस वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस डब्ल्यू इंटू वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वन प्लस डब्ल्यू का पावर फोर इंटू वन प्लस डब्ल्यू का पावर एट, इसका वैल्यू निकालने का गाइस आपको, वन प्लस डब्ल्यू इंटू वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वन प्लस डब्ल्यू का पावर फोर इंटू वन प्लस डब्ल्यू का पावर एट, इसका गाइस आपको वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो,
वन प्लस डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, वन प्लस डब्ल्यू का, तो यहां से गाइस वन प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। तो वन प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हमने निकाल लिया है माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू निकल गया वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। फिर से वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो दो वैल्यूज तो गाइस आपको डायरेक्टली मिल गई है, ये दोनों डायरेक्टली नहीं मिलेगी, उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वन प्लस डब्ल्यू का वैल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू, वन प्लस डब्ल्यू के पावर फोर को कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू के पावर फोर को लिख सकते हैं डब्ल्यू का पावर थ्री इंटू डब्ल्यू का पावर वन। बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, क्या लिख सकते हैं, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, समझ रहे हैं, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। अब W का पावर 8 बच गया, क्या बच गया, W का पावर 8। अब आपको देखना है कि 8 क्या 3 से डिवाइड होता है, इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, W का पावर 30, W का पावर 21, W का पावर 18, वो सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स थे, बट यहाँ पे W का पावर 8 है, तो 8 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, 8 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, 8 से छोटा नंबर। अरे याद है आपको I का पावर 4 मैंने यूज करवाया था स्टार्टिंग में, चैप्टर जहां स्टार्ट हुआ था आपको I के पावर 4 में करना था, क्योंकि I के पावर 4 की वैल्यू 1 होती थी, बट यहाँ पे W क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब 8 से छोटा नंबर, 8 से छोटा नंबर अब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, अगर 8 डायरेक्टली 3 से डिवाइड होता था तो हम ये नहीं करते, 8 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, 8 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, W का पावर 6, 8 में से 6 गए बचे कितने, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, माइनस इंटू माइनस प्लस W स्क्वायर इंटू W, W क्यूब, 1 प्लस W क्यूब की वैल्यू 1 इंटू W, 1 प्लस W के पावर 6 को कैसे लिख सकते हो, W के पावर 6 को कैसे लिख सकते हो, W का पावर 3 का पावर 2 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, समझ रहे हैं, W के पावर 6 को कैसे लिखा मैंने, है ना, W के पावर 6 को कैसे लिखा, 3 इंटू 2, 6 को लिखा मैंने 3 इंटू 2, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं गाइस, क्या होते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गाइस मैंने, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, है ना, यहां पर W क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, समझ रहे हैं, W क्यूब की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो W क्यूब आया, ये 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, W क्यूब की वैल्यू 1, ये W एज इट इज, ये 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, W स्क्वायर एज इट इज, और W का पावर 6 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 2, बताइए, तो W का पावर 3 इंटू 1 प्लस W इंटू 1 प्लस W का पावर 3 कितना होता है, देखो W का पावर 3 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू W स्क्वायर, समझ रहे हैं आप, W का पावर 3 कितना हो गया गाइस, 1 हो गया, और ये पावर 2 एज इट इज, W का पावर 3 1, पावर 2 एज इट इज, W स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, W का पावर 3 का वैल्यू 1, W का पावर 3 का वैल्यू 1, 1 प्लस W का वैल्यू, देखो 1 प्लस W, 1 प्लस W का वैल्यू है, 1 प्लस W का वैल्यू माइनस W स्क्वायर, 1 प्लस W का वैल्यू माइनस W स्क्वायर, और क्या बचा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर, समझ लेंगे आप लोग, तो दिस विल बी 1 इंटू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है गाइस, माइनस डब्ल्यू है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यूब, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आप देख सकते हैं इतने बड़े एक्सप्रेशन का कितना सिंपल तरीके से गाइस हमने आंसर निकाल लिया, और हमारा आंसर कितना है, 1 आ रहा है, गाइस समझ रहे हैं, सबसे पहले आपने 1 प्लस डब्ल्यू का वैल्यू लिखा माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू लिखा माइनस डब्ल्यू, 4 को तोड़ा, कैसे तोड़ा, 3 इंटू 1, है ना, 4 को कैसे तोड़ा, 3 और 1 तोड़ा, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, 8, 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 क्यों, क्योंकि W का पावर 3 1 होता है, तो 8 से छोटा नंबर, 8 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, 8 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो होता है 6, तो 8 में से 6 गए बचे 2, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, बस फिर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यूब हो गया, ये 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू 1, ये डब्ल्यू एज इट इज,
वन एज इट इज प्लस एज इट इज डब्ल्यू का पावर सिक्स, सिक्स को लिख सकते हैं थ्री इंटू टू, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज, डब्ल्यू क्यूब यहाँ पे एज इट इज आ गया, वन प्लस वन इंटू डब्ल्यू मतलब वन प्लस डब्ल्यू, वन एज इट इज प्लस एज इट इज, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू वन, ये स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू क्यूब, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू वन पुट कर दी आपने, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू कितनी पुट कर दी वन, वन प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बताइए, ये वन प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, तो वन इंटू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन इंटू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू ये देखिए, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू है ना, इसका पूरे का आंसर कितना आएगा, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू, आंसर वन, बहुत सिंपल है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल वन पेज नंबर 18 पे है गाइस, आपको दिया हुआ है इफ डब्ल्यू इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट, आपको प्रूव दैट करना है गाइस, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आपको प्रूव दैट करना है गाइस तीनों क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, आपको दिया है डब्ल्यू इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगेन गाइस आपको ये भी फॉर्मुला यूज होगा, ये भी फॉर्मुला यूज होगा, फॉर्मुले मैंने लिखे हुए हैं कंटिन्यूसली, आपको यही फॉर्मुले यूज करने हैं, प्रूव दैट करना है गाइस, क्या करना है प्रूव दैट, तो कंसीडर एलएचएस, क्या दिया गाइस एलएचएस बताइए, वन अपॉन डब्ल्यू प्लस वन अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर, गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है आपको, बताइए वन इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वन इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मैंने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, वन इंटू डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, वन इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का पावर थ्री डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, गाइस क्या आप मुझे बता सकते हो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का वैल्यू, कैन यू प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, देखिए वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है जीरो होता है, आपको क्या चाहिए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू चाहिए, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा माइनस वन, मतलब डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है माइनस वन, समझ रहे हैं डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई गाइस माइनस वन, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू कितनी है वन, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस वन, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू वन, आंसर इज माइनस वन इज इक्वल टू आर एच एस, ये आपको गाइस प्रूफ करना था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर एलएचएस, क्या है एलएचएस में, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर थ्री, क्या निकालना है वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर थ्री है ना, आइए गाइस फिर से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं रफ वर्क ही कर लेता हूँ हमेशा की तरह, आपको पता है कि वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जीरो होता है, आपको क्या चाहिए वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, आपको क्या चाहिए वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो यहां से वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये डब्ल्यू उधर चले जाएगा, तो वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस डब्ल्यू, तो वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू का पावर थ्री, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू पावर थ्री एज इट इज, माइनस डब्ल्यू का पावर थ्री मतलब माइनस डब्ल्यू क्यूब मतलब माइनस वन इंटू डब्ल्यू का पावर थ्री, डब्ल्यू का पावर थ्री वन होता है मतलब माइनस वन इंटू वन विच इज इक्वल टू माइनस वन, और आपको यही गाइस प्रूव करना था आर एच एस, वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, है ना, ये रफ वर्क है गाइस, ये क्या है पूरा रफ वर्क, जो जो मुझे लग रहा है मैं रफ वर्क साइड में कर रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फिर से आप कंसिडर कर लीजिए एलएचएस को, बताइए क्या है एलएचएस, वन माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर थ्री। अब गाइस आप देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्या हम इसमें से कुछ टर्म्स को आगे पीछे करके फॉर्मूले के फॉर्म में ला सकते हैं, है ना, तो वन माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, वन माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो उसको आगे पीछे कर लेते हैं, क्या हम इसको वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, आगे पीछे कर दिया, इसको पीछे लिख दिया, इसको सामने लिख दिया, वन माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को लिख दिया, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी निकाली हुई है, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आप लोग वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, बताइए वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू, ये माइनस डब्ल्यू एज इट इज का पावर थ्री, माइनस डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू का पावर थ्री, माइनस टू डब्ल्यू इंटू माइनस टू डब्ल्यू इंटू माइनस टू डब्ल्यू, पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था आपको कितना आता है माइनस एट डब्ल्यू का पावर थ्री,
टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का पावर थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, दिस इज माइनस एट डब्ल्यू का पावर थ्री, मतलब माइनस एट डब्ल्यू का पावर थ्री वन, मतलब माइनस एट इज इक्वल्स टू गाइस आर एच एस, वेरी सिंपल, माइनस एट डब्ल्यू का पावर थ्री मतलब माइनस एट डब्ल्यू का पावर थ्री का वैल्यू वन होता है, तो आंसर माइनस एट आ गया, आर एच एस आपने प्रूव कर लिया है गाइस, नोट कर लीजिए गाइस, ये पूरा रफ वर्क है गाइस, क्या है ये पूरा रफ वर्क, जो भी हमको लग रहा है मैं यहाँ पे आपके समझाने के लिए कर रहा हूं। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल सेकंड पेज नंबर 19, सॉल्व एग्जांपल सेकंड पेज नंबर 19, इफ डब्ल्यू इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट, शो दैट करना है गाइस आपको, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है आपको शो दैट करना है, आंसर 32 आना चाहिए, सेम इस तरह के क्वेश्चन हमने किया है गाइस, बट पावर में नंबर अलग था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिए आपको शो दैट करना है, क्या करना है शो दैट, कंसीडर एलएचएस, बताइए गाइस क्या है एलएचएस, 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 5, 1 प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 5, आपके पास एक टर्म यहां पे लिखा हुआ है ना, रफ वर्क के लिए फिर से मैं गाइस यहां पे जगह कर रहा हूं, इसको रीअरेंज करना है ताकि हमको इसमें से कुछ वैल्यू मिल जाए, तो 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, क्या क्या कॉमन है देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, माइनस डब्ल्यू है नहीं चाहिए, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, मतलब 1 और डब्ल्यू स्क्वायर का यूज करके हम 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पे डब्ल्यू है, यहां डब्ल्यू है, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर काम का नहीं है, मतलब 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए गाइस थोड़ा सा हमको रीअरेंज करना पड़ेगा इसको, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, आगे पीछे कर दिया, डब्ल्यू स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस डब्ल्यू को बाद में लिख दिया, प्लस 1 प्लस डब्ल्यू, इसको एज इट इज रहने देता हूं, तो आइए गाइस इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे बताओ बच्चों, हम निकालेंगे बेटा वैल्यू 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की और 1 प्लस डब्ल्यू की, तो आइए देखते हैं 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कितना होता है 0, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू बता पाओगे यहां से, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगी, समझा है बेटा, ये डब्ल्यू उधर चला गया ना, तो 1 एज इट इज प्लस एज इट इज डब्ल्यू स्क्वायर, ये उधर चला गया माइनस डब्ल्यू, 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फिर से लिखता हूं, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू निकालिए गाइस, मैंने बताइए 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू, ये माइनस साइन एज इट इज, ये डब्ल्यू एज इट इज पावर 5, 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आपने निकाली है माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ये माइनस साइन एज इट इज डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज का पावर 5, माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस 2w का पावर 5, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2w स्क्वायर का पावर 5, समझ पा रहे हैं गाइस आप, बताइए माइनस 2w का पावर 5, माइनस 2w का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है, माइनस के पावर में जब कभी भी ऑड नंबर हो, माइनस के पावर में जब भी ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में आता है, माइनस के पावर में जब भी ऑड नंबर हो तो माइनस साइन आता है, समझ रहे हैं आप लगे तो माइनस टू को 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या देख लो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, आंसर माइनस 32 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस 32 डब्ल्यू का पावर 5 प्लस, हाँ प्लस बताइए माइनस 2 डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 5, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस 2 का पावर 5 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 5, समझा आपको, मैंने दोनों को अलग अलग पावर दे दिया, माइनस 2 का भी पावर 5 है, डब्ल्यू स्क्वायर का भी पावर 5 है, माइनस 2 का भी पावर 5 है, डब्ल्यू स्क्वायर का भी पावर 5 है, तो माइनस 2 को भी पावर 5 दे दिया और डब्ल्यू स्क्वायर को भी पावर 5 दे दिया, दोनों का पावर 5 है ना गाइस, माइनस 2 का भी पावर 5 है, डब्ल्यू स्क्वायर का भी पावर 5 है, तो माइनस 2 का पावर 5 डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 5, मतलब माइनस 32 डब्ल्यू का पावर 5, तो माइनस 2 का पावर 5, माइनस 2 का पावर 5 मतलब माइनस 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, तो दैट विल बी माइनस 32, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पावर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो डब्ल्यू का पावर 10, 2 इंटू 5 10 आ गया,
है ना, दिस विल बी माइनस 32 डब्ल्यू का पावर 5 प्लस इनटू माइनस माइनस 32 डब्ल्यू का पावर 10। इसको कैसे आप लिख सकते हैं, माइनस 32 डब्ल्यू का पावर 3 डब्ल्यू का पावर 2, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। माइनस 32 इसको आप लिख सकते हैं डब्ल्यू का पावर 9 डब्ल्यू का पावर 1, है ना, 5 से छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, 5 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, 5 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है 3, बचा कितना 2, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। 10 से छोटा नंबर, 10 से छोटा नंबर, क्योंकि 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 10 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, 10 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है 9, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। यहां 9 लिखा है, 1 लिखना पड़ेगा, तो माइनस 32 W का पावर 3 का वैल्यू 1, W स्क्वायर एज इट इज माइनस 32, W के पावर 9 को लिख सकते हो, W का पावर 3 का पावर 3, W के पावर 9 को क्या लिख सकते हो, W के पावर 9 को लिख सकते हो, W का पावर 3 का पावर 3, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, और ये W एज इट इज, तो माइनस 32 W स्क्वायर माइनस 32 W का पावर 3 का वैल्यू 1 का पावर 3 W, तो माइनस 32 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 32 डब्ल्यू, तो माइनस 32 कॉमन निकालोगे तो बचेगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का वैल्यू बताइए गाइस, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा, आइए गाइस मैं आपको वो भी बता देता हूं, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा गाइस बताइए, तो 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 0 होता है, है ना, 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है 0, आपको चाहिए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इधर चले जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 32 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस आंसर आता है 32 विच इज इक्वल टू आर एच एस। समझ में आ जाएगा इस आपको, यहां से मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं गाइस, याद रख लीजिए W का पावर 5, ये माइनस टू डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 5 था, माइनस टू डब्ल्यू स्क्वायर का पावर 5, तो माइनस टू को भी पावर 5 दे दिया, डब्ल्यू स्क्वायर को भी पावर 5 दे दिया, तो ये आ गया माइनस टू का पावर 5 मतलब माइनस 32, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पावर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 हो गया 10, तो माइनस 32 डब्ल्यू का पावर 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 32 का पावर 32 डब्ल्यू का पावर 10, तो 5 को तोड़ा, 5 से छोटा नंबर, 5 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 का 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है 3, तो लिखना पड़ेगा 2, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 10 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर, 10 से नियरेस्ट नंबर छोटा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो है 9, तो यहां 9 लिखा गया, 1 लिखना पड़ेगा, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, माइनस 32 एज इट इज, W का पावर 3 का वैल्यू 1, W स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज 32 एज इट इज 3 को 9 को लिख दिया 3 इंटू 3, 9 को लिख सकते हो 3 का पावर 3 W एज इट इज, ये एज इट इज आ गया, माइनस 32 डब्ल्यू का पावर 3 का वैल्यू 1, 1 का पावर 3, बाकी तो गाइस मैंने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे माइनस 32 कॉमन निकाल लिया, माइनस 32 कॉमन निकाल लिया तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बच गया, कॉमन निकालना गाइस आपको आता होगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दिया, आंसर आ गया, आर एच एस प्रूव हो गया गाइस, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है गाइस, पूरे प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही फॉर्मूले तो यूज हो रहे हैं बस, और कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होने, आप आराम से इसको बैठ के करिए, बहुत सिंपल है गाइस। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, सॉल्व एग्जांपल सेकंड, पेज नंबर 19 का सेकंड पार्ट, शो दैट करना है आपको, 1 माइनस डब्ल्यू इंटू 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस डब्ल्यू का पावर 4 इंटू 1 माइनस डब्ल्यू का पावर 5 इक्वल टू 9, शो दैट करना है गाइस आपको, क्या करना है शो दैट, तो गाइस यहां पर हम किसी भी टर्म का वैल्यू फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते हैं, 1 माइनस डब्ल्यू का वैल्यू यहां से निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर 1 प्लस डब्ल्यू है, 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, समझ रहे हैं, तो इसमें से किसी का भी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा गाइस, आइए देखते हैं, तो कंसीडर एलएचएस, प्रूफ दैट करना है, शो दैट करना है आपको, ठीक है, क्या करना है गाइस आपको, शो दैट करना है, क्या करना है गाइस, शो दैट, तो कंसीडर कर लीजिए गाइस एलएचएस को, बताइए क्या है एलएचएस, 1 माइनस डब्ल्यू इंटू 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस डब्ल्यू का पावर 4 इंटू 1 माइनस डब्ल्यू का पावर 5, ये गाइस आपका हो गया एलएचएस, बताइए 1 माइनस डब्ल्यू एज इट इज, 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज, 4 जो है गाइस वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 4 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर, 4 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है
थ्री, तो फोर में से थ्री क्या बचा, वन लिखना पड़ेगा। बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा। फाइव गाइस थ्री से डिवाइड नहीं होता है, फाइव थ्री से डिवाइड नहीं होता है, तो फाइव से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो थ्री से डिवाइड होता है थ्री, तो बचा कितना टू, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा। डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू वन पुट कर दीजिए, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू वन पुट कर दीजिए, वन माइनस डब्ल्यू एज इट इज, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू वन, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू वन, तो वन माइनस वन इंटू डब्ल्यू, वन माइनस वन इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू वन पुट करती, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू वन पुट करती, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू वन, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू वन, डब्ल्यू एज इट इज, डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज, तो बचा वन माइनस डब्ल्यू, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। आप देख सकते हो गाइस, वन माइनस डब्ल्यू, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू, वन माइनस डब्ल्यू दो बार है, मतलब वन माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर दो बार है, मतलब वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग, वन माइनस डब्ल्यू, वन माइनस डब्ल्यू कितने बार है, दो बार स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर कितने बार है, दो बार है, इसलिए स्क्वायर। समझा, ये टर्म दो बार है इसलिए स्क्वायर, ये टर्म दो बार है इसलिए होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं गाइस आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो वन माइनस डब्ल्यू इंटू वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग, इसका भी पावर टू था, 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 दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी पावर टू, इसका भी पावर टू। समझ पा रहे हो क्या, वन माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों का पावर टू है, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके होल पावर टू कर दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब बताइए, वन इंटू वन वन, वन इंटू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस डब्ल्यू इंटू वन माइनस डब्ल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर का होल पावर टू, मतलब वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू का पावर थ्री का स्क्वायर। अब गाइस आप यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हो, बताइए, वन माइनस, माइनस साइन कॉमन निकाला तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू वन, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू वन होल स्क्वायर, यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, तो आइए गाइस यहां से मैं आपको बता देता हूं कि डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, तो वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जीरो होता है, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ये वन अंदर चले जाएगा तो माइनस वन वैल्यू होती है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस वन, ये माइनस साइन एज इट इज, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस वन प्लस वन प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब थ्री का होल स्क्वायर मतलब नाइन इज इक्वल टू आर एच एस। यही गाइज आपको प्रूव करना था, समझ रहे हैं गाइज आप लोग, और ये गाइज आपका रफ वर्क हो गया आपके समझने के लिए। तो हमने गाइज बहुत ही आसानी से प्रूव कर लिया है, ये देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर, इनको कंबाइन करके मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे भी पावर टू है, यहाँ पर भी पावर टू है, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने होल पावर टू लिख दिया है। आपको समझाने के लिए बताता हूं, जैसे x का पावर 2 y का पावर 2 होता है तो इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई का पावर 2, x का पावर 2 y का पावर 2 इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई का पावर 2, मैंने भी वही किया है, x का पावर 2 y का पावर 2 को लिख दिया एक्स वाई का होल पावर 2। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, आपके समझने के लिए गाइस नोट कर लीजिए गाइस, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आज के प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस वो जरूर आप सॉल्व कर लेना गाइस। गाइज आज के प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको जरूर सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ w का पावर 30, 3 इंटू 10 लिखोगे, w का पावर माइनस 84, 84 को 3 से डिवाइड करोगे, मल्टीपल में लिखोगे 45 को 3 इंटू 15 माइनस 99, 3 इंटू 33, 3 के पावर में लिखते जाना, कराया मैंने ऐसे सेम क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। इफ w इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, है ना, दोनों के दोनों ये पूरे क्वेश्चन दो ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, एक डब्ल्यू क्यूब इक्वल टू वन और एक वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही फॉर्मूले गाइस आपको यूज करने हैं। तो यहां से वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे, पुट कर दोगे, यहां से डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का वैल्यू निकालोगे, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का वैल्यू निकाल के पुट कर देना, यहां से वन प्लस
डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लेना, वन प्लस डब्ल्यू का वैल्यू यहां से निकाल लेना, वन प्लस डब्ल्यू यहां पुट करते हैं आंसर आ जाएगा, यहां से वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना और इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। हिंट मैंने दे दी है, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को रिप्लेस करो, यहां से वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है बताइए, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस डब्ल्यू आएगा, यहां माइनस डब्ल्यू पुट कर देना वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बदले, ये माइनस डब्ल्यू एज इट इज आंसर आ जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू यहां से डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस वन यहां पुट कर देना आंसर आ जाएगा, वन प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, वन प्लस डब्ल्यू की माइनस डब्ल्यू स्क्वायर पुट कर देना आंसर आ जाएगा, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस डब्ल्यू पुट कर देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।